छत्तीसगढ़ के निवर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस की समीक्षा बैठक शामिल होकर राजधानी रायपुर लौटे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में चुनाव के नतीजे पर चर्चा हुई। इसके साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर निर्देश भी दिए। इस बैठक में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, वेणु गोपाल और छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा उपस्थित थे। पूर्व विधायकों के आरोप पर भूपेश बघेल ने कहा कि किस विधायक ने कहा इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा। हम लोग जल्दी से इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से कि मुख्यमंत्री कौन होगा। आप लोगों भी दिमाग में है और हम लोग भी सोच रहे हैं कि कौन बनेगा। ये सवाल तो उसी प्रकार के जैसे कौन बनेगा करोड़पति, उसी प्रकार के तीनों राज्यों में एक सवाल घूम रहा है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। अभी तक तय नहीं हुआ है। अब कल पर्यवेक्षक आए, थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। अब उनके विधायक दल के नेता चुने जाएंगे, फिर उसके बाद वोट सेरेमनी होगा। तो हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू।